हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, आज एक और नई वैकेंसी आई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैवी वाटर बोर्ड, जो कि आपका एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसमें आपका टोटल 277 वैकेंसीज अनाउंस करी गई हैं, अलग अलग पोस्ट की हैं। आपका टेक्निकल ऑफिसर है, स्टाइपेंडरी ट्रेनी है, यूडीसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, कहीं कहीं नहीं मांगा है। तो पहले बता दे रहे हैं, जो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और जो ट्रेनी वाला पोस्ट है, वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। चलिए, नोटिफिकेशन आपके सामने है, दिखा देते हैं आपको, सारी चीज़ें बता देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है, वो है 31 जनवरी 2020। अब यहाँ पर देखिए, टोटल 28 पोस्ट हैं टेक्निकल ऑफिसर की, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। केमिकल में 21 हैं, मैकेनिकल में 3 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 हैं और सिविल में 2 हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BE BTech 60% मार्क्स, लेकिन साथ में 4 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर्स। और आप यहाँ पर दे सकते हैं, पे स्केल है लेवल 11, 67,600। तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात है, इसलिए हम एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए, जो अभी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनकी बात करते हैं। तो आ जाइए, पहला है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी। यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रेनी का मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि सिर्फ आपका जॉब जो है बस 1 ही साल 2 साल का, ऐसा नहीं है। आपका जॉब पहले ट्रेनिंग चलेगा आपका 2 साल का, उसके बाद आपको एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट एब्जॉर्ब किया जाएगा, एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट। परमानेंट जॉब है, कुछ ऐसा नहीं होता है ट्रेनिंग का मतलब। स्टाइपेंडरी ट्रेनी है, कहीं कहीं नॉर्म्स अलग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है, साफ साफ लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि भैया ट्रेनी है, 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपको एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट B या C जो भी होता है, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उस पोस्ट के लिए आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, केमिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है और केमिस्ट्री है। टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर 65। अनरिजर्व कैटेगरी की हैं 34, EWS की 6, OBC 12, SC 7 और ST 6। केमिकल में आप देखेंगे टोटल 43 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो है OBC के लिए। इलेक्ट्रिकल में सिर्फ 7 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 9 हैं और केमिस्ट्री लेबोरेटरी में 5 हैं, सबसे ज़्यादा केमिकल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, और उसके साथ लास्ट में है केमिस्ट्री। यहाँ पर बोला है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए भैया BSc विद केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, और बाकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आपका सब्सिडरी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा में भी क्या बोला गया है, बोला गया है 3 ईयर्स आफ्टर SSC 12th के बाद अगर आपने 3 साल का जो डिप्लोमा किया है, या फिर आपने BSc किया है, BSc के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। तो भैया डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब डिप्लोमा है, डिप्लोमा के साथ मतलब लेटरल एंट्री किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये नहीं है, तो आप अप्लाई मत करिएगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। और ये देखिए, आपका यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन मेथड, या पूरा आपका रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा। पूरा पहले देख लीजिए क्या लिखा गया, रिटन टेस्ट है और साथ में आपका इंटरव्यू भी है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 2 घंटे का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 30 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 20 क्वेश्चन, पार्ट सी में 50 क्वेश्चन। पार्ट ए आपका साइकोमेट्रिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड होगा और जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट बी है डे टू डे साइंस, जो हम लोग डेली यूज़ में लाते हैं साइंस हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये 20 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद आपका डिसिप्लिन रिलेटेड, सपोज केमिकल है तो केमिकल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला गया है भैया 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, और गलत करेंगे तो 1/2 0.5 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है, और
जब रिटर्न आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है, कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन रिटर्न टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5। तो जितनी वैकेंसीज हैं उसके 5 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। मतलब कि रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के ही आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। और वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, 70% रिटर्न का होगा और 30% आपका इंटरव्यू का होगा। ये आपके यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। केमिकल ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट्स इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट। अब जो नॉर्मल जो प्लांट्स में जो ड्यूटी होती है, प्लांट्स में जो आपका जो भी जॉब लगती है, चाहे वो आपका पावर प्लांट हो या फिर वाटर प्लांट हो, यहाँ पर क्या है भैया, शिफ्ट में काम होता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। केमिकल का क्या है, मैकेनिकल का क्या है, इलेक्ट्रिकल का क्या है, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैकेनिकल की बात करें, टू सुपरवाइज रेगुलर एक्टिविटीज़ लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ, देखो सीधी सी बात है यार, मेंटेनेंस आपको देखना ही होगा वहाँ पर, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो या केमिकल में हो, और रेगुलर आपको सुपरविज़न करना ही होगा। इस तरह की सब नॉर्मल आप पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें कुछ ऐसी बताने वाली चीज़ नहीं है कि आपका जॉब ड्यूटी वगैरह क्या होगा। कैटेगरी टू में आते हैं, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 92, 52 पोस्ट हैं, और यहाँ पर क्या मांगा गया है भैया, यहाँ पर मांगा गया है 10+2 और इक्विवेलेंट इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विद अ मिनिमम 60% मार्क्स। तो 10+2 आपका होना चाहिए भैया, साइंस में होगा तो बहुत अच्छा है, और साथ में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। प्रोसेस अभी देखिए आगे बताते हैं पूरा इसमें क्या है। पहला है प्रोसेस ऑब्लिक प्लांट ऑपरेटर, 56 पोस्ट हैं, 32 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, EWS की 4 हैं, OBC 11 हैं, SC 9 हैं। इसके बाद है केमिस्ट्री लेबोरेटरी, यहाँ पर 10+2 और इक्विवेलेंट इन साइंस विथ 60% मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए, अब डिसिप्लिन आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैकेनिक वेल्डर रिगर टर्नर प्लम्बर मेसन और कारपेंटर। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या मांगा गया है, ITI भैया मांगा गया है, SSC विद मिनिमम 60% मार्क्स प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल वेल्डर रिगर टर्नर प्लम्बर मेसन और कारपेंटर। इसके अलावा यहाँ पर नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं, ITI पास आपका होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास NAC होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास ITI होना चाहिए 1 साल का, या 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। और ITI आपके पास, अगर आप पास आउट कर चुके हैं, NAC है आपके पास मिनिमम 1 साल का, तो ये भी वैलिड है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 हैं, मैकेनिकल फिटर की 10 हैं, मैकेनिकल मोटर व्हीकल की 1 है, वेल्डर की 8 है, रिगर की 3 है, टर्नर की 2 है, प्लम्बर की 3 है, मेसन इसकी 2 है और कारपेंटर की 1 है। एज लिमिट 18 से 22 साल। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन मेथड क्या है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 का। 3 स्टेज में एग्जाम होगा, स्टेज 1 एंड 2 रिटर्न टेस्ट, स्टेज 3 स्किल टेस्ट। स्टेज 1 एंड 2 रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे इन मल्टीपल सेशन। एक ही दिन होगा आपका, जो 2 रिटर्न टेस्ट होंगे ये एक ही दिन होंगे। तो इसमें देख लीजिए क्या है, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ्स के होंगे 20, साइंस के होंगे 20 और GK आपका जनरल अवेयरनेस के होंगे 10। ये आपका 1 घंटे का पेपर होगा। सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। ये तो आपका हो गया पहला पेपर। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ऑल कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन स्टेज 1 टेस्ट विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। अब ये आपका दूसरा टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट। इसमें क्या होगा, 50 आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपका ट्रेड था ITI में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो सुबह पेपर होगा, जो मतलब मॉर्निंग में, उसमें आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर सही करने पर, 1 नंबर गलत करने पर आपका काटा जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा रिटर्न टेस्ट, ये आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सही करेंगे तो 3, गलत करेंगे तो 1। तो ये तो हो गया आपका जो आपका रिटर्न टेस्ट होना था। उसके बाद है भैया स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर बोला है, जो स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेगा कैंडिडेट, उसको बुला लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और एक 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी ड्यूटीज़ पढ़ सकते हैं, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर का क्या काम है, ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट्स इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट ऑब्लिक जनरल शिफ्ट, सब देख सकते हैं। केमिस्ट्री क्लीनिंग ऑफ लेबोरेटरी वायर्स वेयर्स एंड मेंटेनिंग द लैब्स प्रिपेयरिंग ऑफ
रिएजेंट मिक्सचर्स, बफर सॉल्यूशंस, मेजरमेंट ऑफ पीएच, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जॉब शिफ्ट, आपका जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है एससी एसटी ओबीसी के लिए। अब जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि भैया ये है आपका ट्रेनिंग, देख लीजिए। तो पहले जो है आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा, कैटेगरी वन की बात करते हैं, फिर कैटेगरी टू की। तो कैटेगरी वन का जो आपका ट्रेनिंग होगा, पहले साल आपको मिलेगा 16,000, दूसरे साल मिलेगा 18,000। कैटेगरी टू का जो ट्रेनिंग है, इनको जो है पहले साल मिलेगा 10,500 और दूसरे साल मिलेगा 12,500। इसके अलावा वन टाइम बुक अलाउंस मिलेगा, ये 3,000 का होगा। सिक्योरिटी बॉन्ड होता है आपका 3 साल का, ये आपको देना होगा। अब जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आप यहाँ पर देखिए कैटेगरी वन, इनको एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 7 पर एब्जॉर्व किया जाएगा। बेसिक पे होगा 44,900 और जो कैटेगरी टू है इसमें टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी पर एब्जॉर्व किया जाएगा लेवल 3 और लेवल 4। बेसिक पे 21,700 और 25,500। तो ये तो थी आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने आपको बता दी हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब ये बहुत सारी पोस्ट हैं नर्स की है, जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक ये पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल। डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल। बेसिक पे 35,400 लेवल 6 और यहाँ पर आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है। क्या होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट में 50 आपके 100 क्वेश्चन होंगे, सही करेंगे तो एक, गलत करेंगे तो आधा नंबर काटा जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज, 20 क्वेश्चन डे टू डे साइंस और 50 आपके डिसिप्लिन रिलेटेड। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पर लिखा गया है टू असिस्ट एंड सुपरवाइज सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स सच एज मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, प्लांट स्ट्रक्चर्स। तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट बी का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग, मतलब कि जिनके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका लेटरल एंट्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये रेडियोग्राफी है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है तो हमें इसका डिस्कस नहीं करना है। टेक्नीशियन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन ऑब्लिक फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर, इसका भी यहाँ पर वैकेंसीज है। 3 टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर। मिनिमम 60% मार्क्स इन एसएससी और एचएससी विथ साइंस एंड मैथ्स। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा वो आपको पूछना रहता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। तो भैया जो अभी हम आपको इसमें दिखा देते हैं, नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। अब देखिए ये सब ड्राइवर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, अब ये सब डिस्कस करने वाली जॉब नहीं है, बिकॉज़ मेरे पास जो सब्सक्राइबर, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मोस्टली ज़्यादातर सभी टेक्निकल फील्ड वाले हैं, तो इसलिए हम वही जॉब आपको बताते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा है इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट दी गई है, कैंडिडेट who have not acquired or will not acquire the educational qualification as on closing date will not be eligible and need not apply। मतलब अगर 31 जनवरी 2020 के पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भैया अप्लाई मत करो। अब देखिए जो आपका कैटेगरी वन और टू स्टाइपेंडरी ट्रेनी है उनका एग्जामिनेशन सेंटर ये है, हैदराबाद, कोटा, मदुरई, भुवनेश्वर और मुंबई। 5 जगह आपका एग्ज़ाम होगा, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन चूज़ करने को आएंगे, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके लिए पास हो आप उसको पहले प्रेफरेंस दे दीजिएगा, और बाकी जितनी पोस्ट हैं उनके सब के लिए मुंबई है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।